नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान से छिनेगा MFN का दर्जा, मोदी ने बुलाई बैठक। उड़ी में हुआ आतंकवादी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को मात देने के बाद भारत उससे सबसे तरजीही राष्ट्र यानी MFN का दर्जा छीन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में 29 दिसंबर को एक समीक्षा बैठक बुलाई है। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जबकि पाकिस्तान ने भारत को अभी तक यह दर्जा नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज के पलटवार से बौखलाया पाकिस्तान। सुषमा स्वराज के पलटवार से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा कि भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसके आंतरिक मामले बलूचिस्तान को उठाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य विवाद है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने ट्वीट किया कि भारतीय विदेश मंत्री का भाषण झूठ का पुलिंदा है। पाकिस्तान ने 4 भारतीयों को समझौता एक्सप्रेस में चढ़ने से रोका। पाकिस्तान में रेलवे के अधिकारियों ने सोमवार को 4 भारतीय महिला यात्रियों को कथित रूप से अधूरे यात्रा दस्तावेजों के चलते यहां दिल्ली जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में चढ़ने से रोक दिया। एक महिला ने भावुक होते हुए कहा कि अधिकारियों का कहना है कि हमारे यात्रा दस्तावेज अधूरे हैं, जबकि उनके परिवार के सदस्य भारत में उनका इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं ने बाहर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान के रेलवे अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आयकर विभाग का नोटिस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। यह नोटिस आयकर विभाग की धारा 131 के तहत हवाला कारोबार के आरोप में भेजा गया है। नोटिस के बारे में जैन ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और इसका जवाब आयकर विभाग को दे देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जैन निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है, दोषी होंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अमेरिका में वकील की गोलीबारी में 9 घायल। अमेरिका में टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में एक वकील ने राहगीरों पर गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 9 लोग घायल हो गए तथा बाद में पुलिस की गोलीबारी में वह मारा गया। पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान बताने से इनकार किया। हालांकि स्थानीय मीडिया ने कहा कि जिस काले रंग की लग्जरी पोर्श कार से गोलियां चलाई गई, वह कार नाथन देसाई के नाम से पंजीकृत है। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।